हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द क्लास। आफ्टर द लीव, आफ्टर द वैकेशन, राइट? आप लोगों ने वैकेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और कोरोना में सेफ्टी में होंगे, सेफ्टी से रह रहे होंगे, ठीक है। पढ़ाई भी आप लोगों की आई होप अच्छी ही चल रही होगी। जैसा कि हम लोग अब तक क्लास 11th में अपना दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस पर बेस्ड हम लोगों ने टेस्ट भी देखा हुआ था, कई सारे टेस्ट देखे हुए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक। ये चैप्टर बहुत बेसिक सा चैप्टर है और इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो रूल्स अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले क्लासिफिकेशन जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थे उनमें से बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपने क्लास 10th में अभी हाल ही में पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियोज़ को, मतलब उस टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था क्लास 10th में। जैसे कुछ जनरल टॉपिक्स बता दे रहे हैं, पहले तो आप सिलेबस समझ लें। मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिखा हुआ जहाँ से हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लाइक मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, मेंडलिक पीरियोडिक लॉ, मेंडलिक पीरियोडिक टेबल पढ़नी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। और पीरियोडिक टेबल में कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लाइक एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, पीरियड में कैसे वेरी करती है ग्रुप में, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़नी है, और एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का नॉमिनलेचर और उसके बाद उनका सिंपल कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सब भी चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ जैसे कोई एलिमेंट आपको दे दिया जाए उसका पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या होगा एग्जैक्टली, जैसे मैं आपसे पूछूं कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली बात ये उठती है कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि देखो स्टिल नाउ 123 से ऊपर के एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और जितने ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सेपरेटली पढ़ पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता, तो हम लोगों ने इसीलिए क्लासिफिकेशन किया, सो दैट कि कुछ एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनमें से एक की अगर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लें तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपने आप हम लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सो दैट कुछ कम हो जाए, कुछ कम एलिमेंट्स हम लोगों को पढ़ने पड़े। अगर सेपरेटली हम लोगों को सारे एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना होगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी और लर्न करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के सीरियल में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो फेल होते गए, उन फेलियर साइंटिस्ट का एक एक करके मैं नाम बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट आए। वर्जीलियस ने एग्जैक्टली किया क्या, जो एलिमेंट्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बहुत ओल्ड क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। कुछ जनरल प्रॉपर्टी बता दी, मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया उस टाइम, उन्होंने मेटल में देखा कि जो मेटेलिक लस्चर होता है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक, सॉलिड स्टेट में होते हैं, इनको जितने इस टाइप के एलिमेंट मिले उनको मेटल में बांट दिया और रिमेनिंग को नॉन मेटल में। बट प्रॉब्लम तब आई, जैसे कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में आपको पता है उन्होंने बोला था नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट वो होता कंडक्टर है, ये बात फेल हो गई। दूसरा, आपने डायमंड का नाम सुना होगा, केवल मेटल में मेटेलिक लस्चर नहीं होता, डायमंड में भी आप देखेंगे लस्चरस होता है, डायमंड में लस्चरस का मतलब होता है एक स्पेसिफिक चमक होगी उनमें, ठीक, तो वो भी फेल हो गया, ठीक। तो इस बेसिस पे इनका ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ, वर्जीलियस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं आया। उसके बाद आए नेक्स्ट प्राउस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं, अब आप ऐसे समझ लो, मैं एक जनरल वे में आपको समझा दूँ कि आप थोड़ा सा मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आते हैं हम लोग, लाइक देखिए यहाँ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी रहे हो, म्यूजिक, इस तीन सब्जेक्ट को अगर आप याद रखोगे तो वो जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है वो बहुत ईजीली आप समझ पाओगे। सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ फिजिक्स की, सबसे पहले नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर मीन्स फिजिक्स। फिजिक्स में एक बहुत फेमस
साइंटिस्ट थे, दैट इज आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक ऐसे ही बोल दिया हुआ था कि यूनिवर्स का एवरी पार्टिकल अपने से छोटे पार्टिकल से मिलकर फॉर्म हुआ है। मतलब कोई भी बिगर पार्टिकल जो होगा वो अपने से छोटे पार्टिकल से मिलकर के फॉर्म हुआ होता है, ऐसे बोलते हैं, होता है ये चीज। अब उसी चीज को अगर मैं फिर केमिस्ट्री में अप्लाई करूँ तो आप मुझे ये बताओ सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका मतलब जो उससे बिगर एलिमेंट है, जो बड़े एलिमेंट्स हैं, वो किससे फॉर्म हुए होंगे, हाइड्रोजन से। ऐसा किसने बोल दिया, प्राउस्ट ने। फिजिक्स प्राउस्ट, ठीक, फिजिक्स प्राउस्ट। अब आप ये समझ लो प्राउस्ट ने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन, ठीक। अगर ऐसा इन्होंने बोला, हाइड्रोजन से सारे एलिमेंट मिलकर फॉर्म हुए हैं, तो मुझे आप ये बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वन, नियरली वन होता है, ठीक। तो अगर उसका एटॉमिक मास वन है तो जितने एलिमेंट उससे मिलकर फॉर्म हुए होंगे वो होने कैसे चाहिए, इंटीजर। उनके एटॉमिक मास कैसे होने चाहिए, इंटीजर। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनके एटॉमिक मास इंटीजर नहीं होते हैं। आप 20 के ऊपर चले जाओ तो मोरओवर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके एटॉमिक मासेस इंटीजर नहीं होते। 20 से कम में एक ध्यान रख सकते हो आप क्लोरियम, क्लोरीन 35.5। समझ में आती बात। तो इसके बाद इनकी थ्योरी फेल हो गई प्राउस्ट की, समझ में आती बात। उसके बाद अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे डोबेराइनर। ठीक, अब इन्होंने बेसिकली किया क्या, मैथ्स तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी, समझते हैं, और मैथ्स में M है तो M से आ गया एक वर्ड मीन, M से आ गया वर्ड मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हो तो जो मिडिल एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मीन के इक्वल होगा, मतलब एवरेज के इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है। इसी बेसिस पे डोबेराइनर ने क्या किया, देखो डोबेराइनर ने ये किया कि 3 एलिमेंट ले लिए इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। इन्होंने बोला कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के मीन के इक्वल होगा, मीन 7 + 39/2, तो कितना आ जाएगा 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है। क्योंकि 3 पे अप्लीकेबल होता है मीन, इसीलिए डोबेराइनर के इस लॉ को हम बोलते हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट हो जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मीन के इक्वल होगा। समझ में आती बात है। द मास ऑफ द थर्ड, मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इफ थ्री एलिमेंट, थ्री कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर देयर। लेकिन ये रूल इनका एप्लीकेबल होता है केवल लाइटर एलिमेंट्स पे, हैवियर एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इनका लॉ फेल हो गया। इनका लॉ क्यों फेल हुआ, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, नॉट फॉर हैवियर एलिमेंट्स। समझ में आती बात ही। चलो, तो डोबेराइनर का लॉ भी फेल हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही सबको। अब देखिए, कभी कभी इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट और थर्ड के मास आपको पता होंगे, सेकंड वाले का मास निकालना होगा, आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है म्यूजिक। म्यूजिक से रिलेशन था जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। म्यूजिक में एक सबसे बड़ी खास बात होती थी पुराने समय में कि म्यूजिक उसी को अच्छी आती है जिसकी 7 सुरों पर कमांड हो अच्छी। और 7 सुर क्या थे, सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या था सा। इन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे दैट इज म्यूजिक
का रिलेशन था न्यू लैंप से, न्यू लैंप। अभी न्यूलैंड ने बेसिकली क्या किया, ये जो सारे गामा पाधा नीसा था टोटल, यह लिख लिया। उस समय ज्ञात एलिमेंट को उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे यहाँ पे मैं रख रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, सोडियम। इससे इन्होंने देखा कि एज लाइक इन म्यूजिक द फर्स्ट वॉवल इज इक्वल टू द एट्थ इन प्रॉपर्टीज, सो इफ वी अरेंज द elements in their increasing order of atomic masses, then we get the every eighth element is similar in property with first element. इसी चीज को न्यूलैंड ने अपना octet rule दे दिया। octet क्यों बोला, देखो first और eighth properties में एकदम क्या होंगे, similar होंगे। next देख लो बेरिलियम के बाद क्या आता है, Mg, ये भी similar है, समझ में आती बात। लेकिन ये rule fail कब हो गया, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई। अब फ्लोरिन के बाद eighth element क्या आता था, नियॉन आता था, तब इनका भी लॉ फेल हो गया। क्लियर है बात, यहीं से बेसिकली जनरेशन हुआ, सोच आई किसको, मेंडलीव को। मेंडलीव ने तब अपनी पीरियडिक टेबल बनाई और एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे रखने की कोशिश करी। ठीक, कैसे किया उस चीज को समझते हैं। उससे पहले एक और फेलर थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। फेलर थ्योरी ना बोल के सबसे सही चीज तो ये है, इन लोगों ने एक प्रयास तो किया अरेंज करने के लिए, जिस चीज़ को आज हम बहुत इजी वे में समझ या पढ़ पाते हैं वो सब इन्हीं का प्रयास है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो इनके आगे भी सोचने वाले नहीं होते। ये आए तभी इनके आगे सोचने वाले आए। जैसे हमने बताया न्यूलैंड से ही एटॉमिक मास का अरेंजमेंट लेकर के मेंडलीव ने अपनी शुरुआत करी थी। अब उसी बेसिस पे उससे पहले हम लोग एक देख लें लोदर मेयर क्लासिफिकेशन। बेसिकली इन्होंने किया क्या, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होता है, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में एक ग्राफ बनाया, एलिमेंट्स में स्टडी करी, ये लिखा हुआ है वॉल्यूम और मास, ये कर्व है। ठीक, तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम डेप्थ पे क्रेस्ट पे और टॉप पे पहुंचते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो पॉइंट यहाँ पे टॉप पर आते थे एल्कली मेटल्स, इस ग्राफ के टॉप पर। कभी अब ये पूछा जा सकता है अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, टॉप पर कौन प्रेजेंट होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि टॉप पे कौन प्रेजेंट होते हैं, एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स जब भी हम कर्व उठाएंगे ऐसे, जब भी कर्व उठ रहा होगा ऐसे नीचे आया, कर्व ऐसे डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो डाउनवर्ड एल्कली मेटल के जस्ट बाद कौन होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो ब्लू से दिख रहा है ये वाला सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। जब भी आप ऊपर से ऐसे नीचे आने लगोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे, और जैसे ही नीचे से नीचे आपके आते हैं ट्रांजिशन मेटल, मतलब जैसे ही ये ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा यहाँ पे कौन होंगे, एल्कली मेटल, यहाँ पे कौन आएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बॉटम पे कौन आएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ये क्लियर है। इसके बाद फिर जैसे ही आप उठने लगते हो तो यहाँ पे बीच में आते हैं, बीच में आपके आते हैं कौन, हैलोजन्स। ये देखिए स्टार से बना, जैसे आप उठना शुरू करोगे तो बीच में कौन आ रहा है, सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल दो बार, बीच में आएंगे आपके हैलोजन्स। ठीक, क्लियर है जी। तो ये था आपका लोदर मेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने बेसिकली मास को ही मान के चला हुआ था, मास के बेसिस पे, लेकिन सारे एलिमेंट को ये प्लॉट नहीं कर पाए। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो इन ग्राफ पे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते जाएंगे और उससे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, जहाँ से हम लोगों को बेसिकली स्टार्ट करना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज आप जान लो, जैसे ये न्यूलैंड ने बताया कि एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम लोग रखें तो एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टी विद
रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, ये बात इन्होंने बोली। उन्हें वहीं से इन्होंने एक लॉ बना दिया, मेंडली पीरियोडिक लॉ जिसे बोलते हैं, मेंडली पीरियोडिक लॉ। बेसिकली इन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक मास की। आप क्लास 10th में अभी हाल ही में पढ़े हुए हो, ठीक, जैसे आपने एग्जाम पास किया उससे पहले ही आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या था, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने क्या किया, अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई। उस पीरियोडिक टेबल में दो टाइप के कॉलम्स थे। अब उन कॉलम्स को आप समझो, दो टाइप की लाइंस ड्रा करी उन्होंने, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको देखेंगे इनको बोलते हैं, इन वाले को बोलते हैं, नाम दे दिया उन्होंने ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को इन्होंने नाम दे दिया पीट। हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या नाम दे दिया, पीट। अब सबसे अच्छी बात ये थी, इन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट उस समय नोन था लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, देन कौन आया बोरान, देन कौन आया कार्बन, देन कौन आया नाइट्रोजन, ऐसे करके रखते गए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। किसको रखते गए, किसको रखते गए, एलिमेंट्स को, किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और ये ध्यान रखा कि जैसे नीचे इसके जस्ट नीचे वही एलिमेंट आएगा जो एग्जैक्टली लिथियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता, जैसे कौन आएगा सोडियम, कौन आएगा सोडियम। अगर इसके सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने इस प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया, इस प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया। इससे क्या हेल्प मिली कि इस एलिमेंट की हमें प्रॉपर्टीज पता चल गई, तो इसको डिस्कवर करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। क्योंकि अगर किसी भी चीज की प्रॉपर्टी हमें पता हो तो उसको खोजना हमारे लिए क्या होता है, आसान। तो पहला एडवांटेज था ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो किया क्या इन्होंने, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और इस तरह से रखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आए। एक ही मतलब बेरिलियम से प्रॉपर्टी शो करने वाला इस ग्रुप में आए, बोरान से प्रॉपर्टी शो करने वाला इस ग्रुप में आए। ऐसा एलिमेंट अगर नहीं मिलता था, उन्होंने उस प्लेसेस पे उस प्लेस को लेफ्ट छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया था, जिसको डिस्कवर करने में बाद में क्या हुई, आसानी हुई। ठीक, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं जो आप समझ सकते हो। सिलिकन के नीचे जस्ट क्या आता था, जर्मेनियम, उस समय डिस्कवर नहीं था। एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता था, गैलियम, वो भी उस समय डिस्कवर नहीं था। बोरॉन के नीचे क्या आता था, स्कैंडियम, वो भी उस समय डिस्कवर नहीं था। मैग्नीज के बाद क्या आता था, टेक्नीशियम, उसके जस्ट नीचे है पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये भी डिस्कवर नहीं था। ये सब डिस्कवर थे इन्हीं के सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अगले एलिमेंट जो ग्रुप में आते, नेक्स्ट एलिमेंट, वो डिस्कवर नहीं थे। उन्हीं एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो डिस्कवर नहीं थे, उनकी डिस्कवरी की गई। इनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में प्लेस को एम्प्टी रखा था। समझ में आती है ये बात, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, कुछ एलिमेंट इसमें से पूछे जा सकते हैं, विच एलिमेंट इज द एकल सिलिकन इन द गिवन फोर एलिमेंट्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। तो उसके आगे कौन होगा, जर्मेनियम। कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो कैसे भी करके, ठीक। तो ट्रिक की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने सिंसियर हैं तो आप बना सकते हैं, चाहेंगे तो कोई ना कोई बन जाएगा।
ठीक, अभी बता देता हूँ मैं ट्रिक। नेक्स्ट है एटॉमिक मास करेक्शन, ये एडवांटेज की मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास में भी करेक्शन किया। पहले ये होता था कि बेरिलियम का 13.5 था, बोरान का कितना था 9, लेकिन इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जब बेरिलियम को यहाँ पे रखा तो उसके नीचे आता था एल्यूमिनियम, तो इन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम बेरिलियम से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो नहीं करता था, उससे इन्होंने एटॉमिक मास में बेरिलियम के करेक्शन किया। तो बेरिलियम का पहले माना जाता था 13.5, लेकिन इन्होंने करेक्शन करके उसे कितना किया 9। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने इन सब एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्शन भी किया था, ठीक। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम के एटॉमिक मास में करेक्शन किया था। ये दूसरा एडवांटेज है इनका। और पहला एडवांटेज तो सबसे अच्छा है कि इनकी पीरियोडिक टेबल से हमें लर्निंग में क्या हुई, आसानी हुई, लर्निंग में आसानी। ये कुछ दो तीन इनके एडवांटेज थे, लर्निंग में आसानी, कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं थे, एलिमेंट के डिस्कवरी और रिसर्च में सहायता प्रदान की इन्होंने, सहायता प्रदान किया इन्होंने, ठीक, हेल्प की। एटॉमिक मास में करेक्शन किया इन्होंने, तो ये सब इनके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इनके ड्रॉबैक्स। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं? एग्जैक्टली न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। आर्गन को पहले रखा था इन्होंने, पोटेशियम को बाद, बट न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें पोटेशियम पहले आता है और आर्गन बाद में। सेम पोजीशन थी टेक्नीशियम और किसके साथ, इंडियम, टेक्नीशियम बाद में आता है, इंडियम पहले। ऐसे ही थैलियम में, पैलेडियम में ये हुआ था, ऐसे ही कोबाल्ट और किसमें हुआ था, निकिल में आना, निकिल को पहले चाहिए था लेकिन रखा किसको गया था, कोबाल्ट। ये बात समझ में आती है, ये इनके ड्रॉबैक्स थे मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल के। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था, मोजले ने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर्स की, नॉट एटॉमिक मास की। ऐसा उन्होंने अपने एक्सरे वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो क्लास 11th में हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था, उस वाले एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने प्रूव किया, मोजले ने प्रूव किया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक नंबर की, नॉट एटॉमिक मास की। इसके लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, तो एटॉमिक मास के साथ जब प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तो देखा ऐसे कुछ आ रहा था, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया तो एक सीधी रेखा में आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में, जिससे उन्होंने प्रूव किया एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, नॉट एटॉमिक मास। समझ में आती बात? तो ये इनकी फेलर की कहानी थी मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल की। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे चाहो तो आप बना सकते हो, सीता, गीता, अलका, गायत्री, बीएससी एमटेक, ये बना सकते हो, सीता, गीता, अलका, गायत्री, बीएससी एमटेक, ठीक। ये सब जो है, सीता, गीता, अलका, गायत्री और बीएससी एमटेक है, ठीक, यहाँ पे बना सकते हो आप। यू बेमान इंडियन गोल्ड और प्लैटिनम चुराते हो, ये ट्रिक आप बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ बनाने की आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी तो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे बस हम इतना डिस्कस करेंगे। अब हम मूव कर रहे हैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक टेबल है उस पे, जिसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको मैं बता चुका हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं एटॉमिक नंबर। तो अब हम लोग इसको बेस मान करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, उन बातों को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, ये थ्योरी, ये पीरियोडिक टेबल गिवन बाय राम वर्नर एंड बर्न, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया हुआ था। सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन, ये जो दो पॉइंट लिखा हूं यही बेसिस है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बोर, या बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप बोल सकते हैं। ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ये बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर बेस्ड है, दैट इज वाई इसे एक और नाम बोलते हैं, बोर पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है इसे, बोर पीरियोडिक टेबल। यहां तक की बातें समझ में आती है। नेक्स्ट थिंग जो आता है, नेक्स्ट, जैसा कि पहले मेंडलीफ में भी आप देख चुके हो, इसमें दो टाइप के कॉलम्स होते हैं या दो टाइप की लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो ग्रुप होगा और क्या होगा, पीरियड होगा। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ग्रुप्स का और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे किसका, पीरियड्स का, ठीक। तो इस कोशिश में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। सॉरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड सबसे पहले पढ़ेंगे, देन ग्रुप पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना है, वो बातें क्या है वो समझिए, कि जब भी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी, अभी मेरे पास पीरियोडिक टेबल है नहीं, आप अपने पास पीरियोडिक टेबल जब इस वीडियो को देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल लेकर के देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं केवल समझाते जा रहा हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पहले में फर्स्ट पीरियड में देखोगे हाइड्रोजन है और कौन है, हीलियम है। सेकेंड पीरियड में आप देखोगे लिथियम से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाकर के खत्म होता है, नियॉन। फोर्थ पीरियड में आप देखोगे सोडियम से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाकर के खत्म होता है, आर्गन पे। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। उससे पहले आप ये समझ लो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड में पीरियड टोटली होते कितने हैं, टोटल नंबर है 7। पीरियड के टोटल नंबर कितने हैं, 7। और ये पीरियडिक टेबल अगर बात करें 1, 2, 3 ऐसे लेकर के कहाँ तक है, 18 तक, ठीक। और इस साइड है ग्रुप पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फर्स्ट में आप देखोगे दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड में आप देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कहाँ तक है ये, नियॉन तक, टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। थर्ड में सोडियम से लेकर के आर्गन तक, टोटल 8 एलिमेंट। फोर्थ में पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक, टोटल 36 एलिमेंट मिले। रुबिडियम से लेकर के जेनॉन तक 36। रुबिडियम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सीजियम से लेकर के रेडॉन, यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल, सॉरी ये दोनों में गलत बोल दिया, सोडियम से आर्गन तक 18, पोटेशियम से क्रिप्टन तक 18, रुबिडियम और सीजियम से जेनॉन और रेडॉन तक टोटल 36 एलिमेंट मिलते हैं। उसके बाद 7 पीरियड आता है। अब ये इतने एलिमेंट होते क्यों हैं और कैसे होते हैं, उस चीज को हम लोगों को समझना है। बेसिकली पहले अगर आप यहां से देखो, एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख चुके हो। हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 1s1, देन क्या होता है 1s2, ध्यान दीजिएगा इस चीज, 1s1 एंड 1s2 होता है। बताओ क्या 1s3 हो सकता है? ये जो फर्स्ट पीरियड आप देख रहे हो, ये जो ईच पीरियड आप समझ रहे हो, इट रिप्रेजेंट्स सेल और ऑर्बिट। है तो ये पीरियड ही, ये पीरियड वन है, पीरियड टू, पीरियड थ्री, पीरियड फोर। तो ईच पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेल को और ऑर्बिट को, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें, अगर ईच पीरियड सेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो
अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें एन इक्वल टू वन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टू एन स्क्वायर, टू इंटू वन का स्क्वायर मीन्स कितने? टू इलेक्ट्रॉन, और टू इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख नहीं सकते, तो एलिमेंट भी कितने आएंगे? टू। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड किया तो हाइड्रोजन, सेकेंड फील्ड किया तो क्या आ गया? हीलियम। दो ही तो फील्ड कर सकते हो, हाइड्रोजन और क्या आ गया? हीलियम। इसको SPDF के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग। अब सेकेंड में देखो, आप सेकेंड में इलेक्ट्रॉन किस सिर में जाता है? टू वन, टू टू, टू थ्री से लेकर के कहाँ तक? टू एट, नियर टेन होता है। एन इक्वल टू टू अगर लिखू मैं, एन इक्वल टू टू से टू इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया? एटीन। समझ में आ रही बात? ये इस बेसिस पे हम लोग रख सकते हैं। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, ये तो हो गया ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं, अगर उस बेसिस पे करें तब क्या होता है? ध्यान दो आप, 1s2 2s1 होगा। यहाँ पे 1s2 2s2, 2s2 2p1 ऐसे आएगा। यहाँ पे आओगे तो 2s2 2p6, और नीचे तक आप जाते जाओ तो देखो इस सब में आएगा P6 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या पीरियड में मूव करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से कहां तक? 18th ग्रुप तक। तो ईच पीरियड स्टार्ट विथ the filling of electron in new cell and in after complete filling। complete filling के बाद ये क्या होता है? end होता है। सबसे important बात इसमें ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप होना? एस में। देखो 1s2 जैसे ही खत्म हुआ तो यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? एस में फिलअप होना। और कब एंड हो रहा है? जब पी, मतलब ns में स्टार्ट होगा फिलअप होना, और np के कंप्लीट हो जाने के बाद वो ऑर्बिटल कंप्लीट, वो सेल, वो ऑर्बिट, वो पीरियड कंप्लीट हो जाए। इलेक्ट्रॉन किस में भरना स्टार्ट होगा? एस में। और किस में एंड हो जाएगा? पी में। एस में भरना स्टार्ट होगा, पी में भरने पे जाकर के एंड हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अगर इस तरीके से है तो मैं क्या बोल सकता हूं? ध्यान दीजिए, सबसे फिर मैं लिख रहा हूं ऑर्बिटल, ये मैं थोड़ा इस साइड तक रेज कर रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन कॉलम बनाए। इस कॉलम का बेनिफिट क्या है कि हम लोग एग्जैक्टली देख पाएंगे कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? आप तो जानते हैं 7th पीरियड तक आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कितने एलिमेंट होते हैं। लेकिन कहीं 7th पीरियड से ज्यादा हो जाए, 7th पीरियड से ज्यादा हो जाए, तब आप क्या देखोगे कि क्या 7th पीरियड से ज़्यादा होने के बाद 8th पीरियड में अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, अगर मान लो इन फ्यूचर 15th पीरियड हो जाएगा तो एलिमेंट कितने होंगे, ये कैसे आप बताओगे? उसी चीज़ के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना और समझना है। समझ में आती है बात? ये देखते हैं इस चीज़ को, और ये कॉन्सेप्ट आप यहीं से समझ पाओगे। ns में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होंगे, np के कम्प्लीट होने पर फुलफिल हो जाएगा। अब इस चीज के लिए देखो और ध्यान रखना, जब भी अगर मैं आपको लिखूं 1s 2s2, पढ़ाया था आपको 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ऐसा होता है ना? तो फर्स्ट सेल में केवल s होता है, सेकंड में, थर्ड में देखो d होता है, लेकिन थर्ड में देखो जैसे ही 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड ऑर्बिट हो गया आपका, थर्ड पीरियड हो गया, क्योंकि इसके फिल होते ही फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखो 4s और 4p के बीच क्या आता है, ns और np के बीच में क्या आता है, d। dob कौन सा वाला है, n-1 वाला, जस्ट इससे पहले आएगा। और बीच में f आएगा तो कौन सा आएगा, n-2f वाला। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही बात, इसी बेसिस पे आप कर पाओगे। अब जरा ध्यान दो इधर तो आप समझ पाओगे अच्छे से। पीरियड नंबर 1 ले लिया हमने, सबसे कौन सा होगा बोलिए, सबसे सबसे लेट ही होगा s। अब आप ऐसे लिख सकते हो 1s स्टार्टिंग होगा ns np, तो आपको पता है 1p नहीं होता है, 1s ही होगा। s में कितने ऑर्बिटल, 1, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट। बोलो बात समझ में आती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट। चलो सेकंड पीरियड का देखो, सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, ns np लिख लो, n का मतलब 2, ऐसे लिखो, बताओ 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, दोनों होते हैं। तो आप बताओ s में कितने ऑर्बिटल, 1, p में कितने, 3, टोटल 1 + 3 = 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मींस कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट। क्लियर है ये चीज, ध्यान दीजिए। थर्ड, थर्ड में बताओ ns np लिखिए, ठीक। अब जैसे ही बढ़ते जाओ बीच में सोचो क्या d हो सकता है, 3s 3p, d होगा उस p से जस्ट पहले d होगा, कौन सा d होगा, उससे एक कम वाला, क्या लिखूं, 2d। बताओ 2d पॉसिबल है, तो 2d पॉसिबल नहीं है। तो s और p, s में कितने ऑर्बिटल, 1, p में कितने, 3, 1 + 3 = कितने, 4, कितने एलिमेंट आ गए, 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा। फोर्थ पीरियड देखो, बताओ कहां से स्टार्ट कर, 4s, कहां पे एंड करूं, 4p। अब इससे जस्ट पहले सोचो क्या d हो सकता है, d होगा तो कौन सा होगा, 3d। इससे जस्ट पहले f होगा तो कौन सा होगा, 2f। एक एक कम करते जाओ, अब देखो कौन कौन सी चीज इसमें पॉसिबल है, तो 3d आपको पता है पॉसिबल होता है, 2f पॉसिबल नहीं होता। अब बताओ टोटल ऑर्बिटल कितने, s में 1, d में कितने होते हैं, 5, p में कितने, 3, 1, 5, 6, 3, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितने, 18। मतलब फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट भी होंगे। समझ में आ रही बात है। फिफ्थ पीरियड देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5s से, कहाँ पे एंड होगा, 5p से। बीच में क्या आएगा, 4d, उससे पहले 3f। अब चेक करो तो आप जानते हो 3f पॉसिबल नहीं होता है। s 1, d 5, p 3, टोटल 9 ऑर्बिटल मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 18। 6 का निकाल लो, 6s 6p, बीच में बोलो उससे जस्ट पहले क्या आएगा, 5d, उससे जस्ट पहले क्या आएगा, 4f। देखोगे तो सब पॉसिबल है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने, s में 1, f में 7, d में 5, p में 3, 1 + 7 = 8, 5 + 13 = 3, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32। इसका मतलब 6 पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट। इस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके आगे थोड़ा सा देखो, अब अगर मान लो आपसे बोला जाए ऐसे कि बताओ अगर फ्यूचर में 10th पीरियड हो तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। चलो 10 देख लेते हैं, n इक्वल टू कितना हो गया, 10। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 10s से, एंड कहाँ पे होगा, 10p पे, ऐसा लिख लो। अब इससे जस्ट एक पहले आ जाओ, 9d, इससे जस्ट पहले क्या होगा, f, 8f, इससे जस्ट पहले क्या होगा, f के बाद क्या आता है, g, 7g, एक एक कम करते हैं, इससे जस्ट पहले क्या होगा, 6h, जी के बाद क्या आता है, h आता है, 6h से पहले क्या होगा, 5h के बाद
आई ये ले सकता हूँ। अब इसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है तो देख लो। एस के लिए एल की वैल्यू बताया था जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री, जी के लिए होगा फोर, एच के लिए होगा फाइव, आई के लिए कितना होगा सिक्स, ये इतना ले सकता हूँ। अब देखो जहां पे भी वैल्यू इससे कम होगी मतलब एच फाइव वाला हो सकता है, फाइव से ज्यादा है पॉसिबल है, आई सिक्स वाला ये पॉसिबल नहीं है। अब इनके ऑर्बिटल्स देख लो आप काउंट कर लो, एस में वन होता है उसके बाद इस साइड आ जाओ थ्री, दो दो ऐड करते जाओ फाइव सेवन नाइन इलेवन, टोटल ऐड कर लो इलेवन नाइन ट्वेंटी सेवन वन एट ट्वेंटी एट और एट थर्टी सिक्स ऑर्बिटल हो गए, टू से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया सेवेंटी टू। मतलब टेंथ पीरियड अगर पॉसिबल होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 72 एलिमेंट पॉसिबल होंगे। समझ में आती बात है। चलो ये तो हो गया डायरेक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे, अब एक छोटा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ये निकालने का तरीका भी सीख लिया तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू, ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और एन प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखो। देखो एन अगर इवन है तो टू जोड़ोगे, ठीक। इसी नंबर को इवन और ऑड बनाने का तरीका क्या है, इवन बनाना है ऑलवेज। अगर इवन नंबर है तो इवन बनाने के लिए इवन नंबर ऐड करो मतलब टू ऐड कर देना है, ऑड नंबर है तो उसको इवन बनाने के लिए वन ऐड कर दो। देखो जैसे मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने की बात बता रहा हूँ, उसके बाद टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो मुझे निकालना है सिक्स पीरियड में तो ये कैसी वैल्यू है, इवन इवन है तो यहाँ पे रख दो, यहाँ रखोगे कि यहाँ पे, इवन है तो यहाँ नहीं रखोगे यहाँ पे रखोगे। सिक्स में टू जोड़ दो एट हो गया, एट को टू से डिवाइड कर दो कितना आ गया फोर, फोर का कर दो स्क्वायर कितना हो गया सिक्सटीन, इतने ऑर्बिटल मिल गए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टू से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी टू, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट। तो देखो सिक्स पीरियड में अभी निकाला था कितने आ गए थर्टी टू, ऑर्बिटल देख लो कितना आया था सिक्सटीन, देखो सॉल्व करके आया कितना सिक्सटीन। मतलब बेसिकली करना क्या है, जो पीरियड नंबर है उसी में या तो वन ऐड करोगे या तो टू ऐड करोगे और उसको टू से डिवाइड करोगे जो भी आएगा और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा ऑर्बिटल मिल जाएगा, और ऑर्बिटल मिल जाएगा तो उससे टू से मल्टीप्लाई करके क्या सॉल्व कर लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। ये चीज चल रहा है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अब एक बात और समझते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अभी तक हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने एलिमेंट होते हैं, वन ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टू। इसीलिए जब भी हम यहां पे ऑर्बिटल नंबर निकाल लेते थे तो उसको टू से मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए इफ इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम थ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिक्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर सकते हैं हम मैक्सिमम, तो सिक्स पीरियड में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट पॉसिबल होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन होता था तो हम ऑर्बिटल का नंबर निकाल के टू से मल्टीप्लाई करते थे,
अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल का नंबर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करो। तो बेसिक यही होता है कि ऑर्बिटल का नंबर बार बार निकालो। n इज इक्वल टू कितना गिवन है? 6। इवन है कि ऑड? इवन है। तो ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? इवन है तो 2 ऐड करो, 2 से डिवाइड का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा ये? 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 60। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक एलिमेंट कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने फिल्ड कर सकते हो अभी? 3। तो ये आंसर कितना आ गया? 48। अगर 2 होता तो 32 आते, 3 है तो कितना आता? 48 एलिमेंट तब इसमें होते। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्लियर हुई बात ये? तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे किसी पीरियड में, किसी गिवन पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब शायद आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने सीख लिया डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, ठीक, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। अब उसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ग्रुप के नंबर है कितने, टोटल कितने हैं? 18, 1 से लेकर के 18 तक। अब 1 से लेकर के जो 18 तक ग्रुप है उसमें टॉप का एलिमेंट में बना रहा हूँ हाइड्रोजन, उसके बाद स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद यहाँ पे आता है सोडियम, Mg, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ऐसे मैंने बना लिया टर्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, ये टोटल है। ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको बोलते हैं इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं वो समझते हैं लोग। ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। यहीं पे बीच में जब आओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 में यहां पर रखा हुआ है लेंथेन स्टार। इसके साथ प्लस 14 एलिमेंट और हैं जिनको बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट। 7th में यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिनियम डबल स्टार बना होगा, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट रखे हुए जिनको बोलते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट। बेसिकली इन 14 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया, इनको अकॉर्डिंगली बोला जाता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। समझ में आती बात? अब इन चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ये बात इतनी समझ में आ रही है। हाइड्रोजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s। लिथियम ले लो 3, 1s2, 2s1। Mg ले लो 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s। ये देख रहे हो? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो किसमें जा रहा है? s सबसेल में। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है दोज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, एक्सेप्ट हीलियम, ध्यान रहे एक्सेप्ट हीलियम।
those element whose last electron enters into S subshell is called S block element except helium. Clear? अब next thing देखो. यहां से समझते हैं. लास्ट 18th ग्रुप में लिखना हो पहले. इसका रीजन है कि मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं. यहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s. इसका करोगे तो लास्ट में आएगा 2b6. इसका करने पे आता है 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, ऐसा आता है. तो अगर आप ध्यान दो, इनके हीलियम को छोड़ के इनमें लास्ट में p6 आ रहा है. क्या इनको मैं जनरल np6 लिख सकता हूँ? np6. अब नियॉन किस पीरियड का है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको. अब जैसे अगर मैं मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में mg का लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना है? 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. इतना लंबा लिखना पड़ता है. और आगे आप जाओगे तो बहुत सारे एलिमेंट जिनमें 7-7 पीरियड है वो और लंबे जाएंगे आपके. समझ में आ रही बात? और लॉन्ग होते जाएंगे वो. तो इन लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या यूज करते हैं? क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है वो कोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप समझो, जैसे अगर ध्यान दो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2p6. कोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम नोबल गैसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. अब 2p6, इसका अगर एटॉमिक नंबर 10 होता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2, 2s2, 2p6, ये है. तो ये जो इतना दिख रहा है आपको, इतना ना लिख करके इसके प्लेस पे लिखा जाता है नियॉन, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में. ध्यान है, नोबल गैसेस को लिखा जाता है. और उसके बाद बचा क्या चीज? 3s2. ये है mg का नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. शॉर्ट है कि नहीं वो लिखे mg 3s2. इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है? इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर. पीरियड तो पता होना ही चाहिए, पीरियड तो पता चल ही जाएगा, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका है इनका, ये 2 होता है, ये 10, 18, 36, 54, 86. पहले 8 ऐड करो, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32. ये तरीका है इनका. तो अब जैसे मान लो मुझे करना किसका है? मुझे करना है सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11. तो आपको करना क्या है? इससे कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस. तो इससे जस्ट कम एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस कौन है? नियॉन. तो हमने डायरेक्ट लिख दिया किसको? नियॉन को. नियॉन का मतलब कहां तक हो गया? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10. बचा 1. और ये इंड कहां पर होता है? p6 पर. p6, तो p के बाद क्या आता है? s आता है. हर बार p के बाद क्या आता है? s आता है. s लिख दिया. मैंने 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के बाद जो s आएगा, p के फिल्ड होने के बाद जो s आता है उससे एक ज्यादा वाला. यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3s. और कितना इलेक्ट्रॉन बचा? समझ में आती बात? ये क्लियर हो रही कुछ चीज? नेक्स्ट मान लो मुझे लिखना हो, अभी जैसे बताया उसी चीज को ध्यान देना है आपको. NS से स्टार्टिंग होती है, NPP एंडिंग. जैसे P एंड होता है तो अगला जो S स्टार्ट होता है वो N+1 वाला S और N+1 वाला P, ऐसे होता है. अभी बात कर चुके हैं हम लोग. ठीक, क्लियर हो रही कुछ चीज़ें? अब मान लो मुझे नेक्स्ट करना हो, ये चीज़ यही चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप में 1x1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके. देखो कैसे करते हैं. इस क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं S ब्लॉक एलिमेंट.
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एस सबसेल एक्सेप्ट। ठीक, सेकेंड थिंग देखो, अब इन एलिमेंट की कुछ खास बातें, कौन कौन से एलिमेंट ये होते हैं, ये एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के होते हैं। फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से लेकर के सीजियम तक, सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होता है बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक। अगले एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उन एलिमेंट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, अब इनका एक मैजिक नंबर बोलते हैं, वो आप ध्यान रखोगे तो एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा आपको। मैजिक नंबर दिस इज पीरियड नंबर, जब भी आप फर्स्ट पीरियड से जाओ सेकेंड पीरियड में टू ऐड करो, टू से थ्री में एट, थ्री से फोर में एट, फोर से फाइव में एटीन, फाइव से सिक्स में एटीन, सिक्स से सेवन में थर्टी, ये तरीका है। ठीक, अभी जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके बाद क्या आता है फ्रांसियम। जो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, इसका एलिमेंट आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए वन, उसके बाद सेकंड में जा रहे हो तो कितना ऐड कर दो टू, देन कितना ऐड करोगे एट, देन कितना ऐड करोगे एट, देन कितना ऐड करोगे एटीन, देन कितना ऐड करोगे एटीन, देन कितना ऐड करोगे थर्टी टू, ये मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। क्लियर है जी, ऐसे ही सेम सेकंड ग्रुप का आप निकाल सकते हो। अब इनका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखो, मान लो मुझे रुबिडियम का करना है, कितना है 36, इसके जस्ट पहले नोबल गैस जो आती है वो कितनी है 36, और वो है क्रिप्टन। ये किस पीरियड का है देखो, ये किस पीरियड का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का है, तो ये कौन से पीरियड की होगी, थर्ड पीरियड, मतलब 3p6 तक हो गया, 3p6 तक हो गया, और 3p6 तक अगर हो गया तो रुबिडियम 37 का देखो क्रिप्टन लिखा हूं, मतलब 3p6 तक हो गया, 3p के बाद क्या आएगा 4s, और 4s में कितना लिखूंगा 1। इसका मतलब जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो या तो ns1 होगा और ns2। ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, ऐसे ही किसका करूंगा सेकंड ग्रुप का, तो ns1 और ns2। अब कुछ इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और जान लो आप, ये तो क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। सेकंड थिंग जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो जानना है, ये फ्लेम कलर शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, फ्लेम कलर। फ्लेम कलर क्या होता है, जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं हीट करने पर, तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, फ्लेम के कांटेक्ट में आने हीट करने पर, तो क्या देते हैं ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, इसी कलर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लेम कलर। ठीक, नेक्स्ट थिंग, ये प्रैक्टिकल में आपको काम आएगा, तो प्रैक्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो फ्लेम कलर हो गया, दूसरी चीज इनकी वैलेंसी फिक्स होती है, फिक्स करने का मतलब फर्स्ट ग्रुप वालों की 1, सेकंड ग्रुप वालों की 2, वेरिएबल नहीं होते, मतलब ये चाहो कि अलग अलग वैलेंसी शो करें तो अलग अलग वैलेंसी ये शो नहीं करते हैं। ठीक, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी एस ब्लॉक एलिमेंट, और डिटेल में हम लोग जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे।